जबलपुर के तहसील कार्यालय में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब तहसील कार्यालय में पदस्थ एसडीएम के बाबू इंद्रजीत सिंह धूरिया को रंगे हाथ 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इंद्रजीत सिंह के द्वारा जमीन के मुआवजे की राशि 1,94,000 निकालने के एवज में शिकायतकर्ता विकास दुबे से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत शिकायतकर्ता के द्वारा लोकायुक्त टीम को दी गई। इसके बाद लोकायुक्त विभाग की टीम ने तहसील कार्यालय में दबिश देते हुए रंगे हाथ रिश्वत लेते इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता विकास दुबे ने बताया कि उनकी भूमि का अधिग्रहण NHAI के द्वारा कर लिया गया था, जिसके बाद 1,94,000 की राशि मुआवजे के रूप में स्वीकृत की गई थी, जिसे निकालने के एवज में बाबू के द्वारा रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त की टीम को दी। इसके बाद आज लोकायुक्त विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ये तहसीली में बाबू पदस्थ हैं, जो ये क्या है 2017 से हमारा मुआवजा होना था NHAI द्वारा, हमारी जमीन प्लॉट अधिग्रहण किया गया था, तो उसका मुआवजा को लेकर सर ये 2017 से हमको लगातार वो कर रहे थे, तो अभी सर उनसे द्वारा पैसे की डिमांड की गई, तो जिसके लिए फिर हमने लोकायुक्त में शिकायत की और लोकायुक्त के द्वारा उनको रंगे हाथ करा दिया। हमारे फरियादी हैं अविकास दुबे, ये तिलवारा घाट जबलपुर के निवासी है। इनके फादर के नाम से कुछ ज़मीन का NHAI द्वारा अधिग्रहण किया गया था। वर्ष 2017 में प्रकरण बनाया गया था। इसके पश्चात आज दिनांक तक उन्हें किसी कारणवश उस मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है।